कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस सेशन में हम इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में हमें उस शब्द को इम्प्रूव करना होता है जो शब्द इटालिक, बोल्ड अथवा अंडरलाइन किया गया रहता है। तो इस सेशन का पहला सेंटेंस आपके बीच, देर इज नो रेन इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। हमें यहां इज को इंप्रूव करना है। इस इज की इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है, हैज बीन, वाज, हैड बीन, और यदि इन तीनों में से कोई नहीं तो लास्ट ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। सेंटेंस कहता है यहां, There is no rain in our village for the last 6 months। ग्रामर के नियमानुसार जब कोई काम अतीत में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी हो तब उस काम को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। यहां सेंटेंस है, There is no rain in our village for the last 6 months। कहता है कि हमारे विलेज में पिछले 6 महीने से वर्षा नहीं हुई है या नहीं हो रही है। तो यहां अतीत में काम शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है, मतलब जो काम अतीत में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो उस कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस है कि उस वाक्य में हम हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर अथवा नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में इज का प्रयोग किया गया है और इस सेंटेंस की सबसे बड़ी खूबी है कि इस वाक्य में यहां फॉर दिखाई दे रहा है। रूल कहता है कि जब वाक्य में फॉर या सिंस प्लस टाइम दिखे तब उस वाक्य में कभी भूल कर भी इज, एम आर अथवा वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उस वाक्य में हैज, हैव, हैड प्लस बीन का प्रयोग होता है। यहां पर इज को इंप्रूव करना है तो इज के इंप्रूवमेंट के लिए चूंकि फॉर के कारण हम यहां हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में ए में है हैज बीन, बी में वाज और डी में है हैड बीन। यहां इज के कारण आंसर हमारा ई होगा, हैज बीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। कहता है कि पुलिस ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। 4 ऑप्शंस का 3 ऑप्शंस हमारे बीच में है, विद द मैटर, बी में, एट द मैटर, सी में, द मैटर, और यदि इन तीनों में से कोई नहीं तो लास्ट है नो इंप्रूवमेंट। रूल कहता है ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन के तहत इन्वेस्टिगेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यहां इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू का प्रयोग किया गया है और रूल के अनुसार इन्वेस्टिगेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट इसका होगा विद द मैटर में विद प्रीपोजिशन है, ये हमारा नहीं होगा। बी है एट द मैटर में एट प्रीपोजिशन है, ये भी नहीं होगा। सी में द मैटर में कोई प्रीपोजिशन नहीं है और रूल के अनुसार इन्वेस्टिगेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो आंसर हमारा द मैटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचंद्र एंड हिज फैमिली हैव बीन इन बिहार फ्रॉम 1985। यहां पर फ्रॉम को इंप्रूव करना है। इस इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस का ए है सिंस, बी है अबाउट, सी है ऑन और डी है नो इंप्रूवमेंट। यानी 3 ऑप्शंस में से अगर कोई नहीं होता तो हमारा आंसर नो इंप्रूवमेंट है। यहां पे क्या है, फ्रॉम 1985। सिंपली रूल कहता है जिस वाक्य में फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग करना हो उस वाक्य में कार्य के स्थिति को जज करना होता है। जो काम अतीत में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो उसे हम हैज हैव प्लस बीन से दिखाते हैं।
जो कार्य अतीत में शुरू होकर अतीत में ही एक लंबे समय तक जारी रहा हो उस कार्य को हैडविन से दिखाते हैं, और जो कार्य भविष्य में शुरू होकर एक लंबे समय तक भविष्य में ही जारी रहेगा उस कार्य को हम शैलविल प्लस हैव प्लस बीन से दिखाते हैं। यहां पर सेंटेंस रामचंद्र एंड हिज फैमिली हैव बीन इन बिहार फ्रॉम 1985 प्रीपोजिशन के नियमानुसार प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में फॉर तथा सिंस का प्रयोग होता है, जबकि फ्यूचर टेंस में फ्रॉम तथा फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है, जबकि सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में होता है, और फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहां हैव बीन इन बिहार फ्रॉम 1985, हैव बीन के कारण यहां फ्रॉम ना होकर यहां पर एग्जैक्ट सिंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में हम पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980। यहां पे चूंकि सिंस का प्रयोग किया गया है, सिंस 1980, जिस वाक्य में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया जिस वाक्य में फॉर सिंस का प्रयोग हो उस वाक्य में गलती से भी हम इज एम आर तथा वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। उस वाक्य में हमें हैज हैव हैड के साथ बिन लगाना होता है। यहां इंप्रूवमेंट एम लिविंग का है, एम क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के लिए हम हैज हैव प्लस बिन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो इसका एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट हमारा हैव बिन लिविंग होगा। चार ऑप्शन में से एम वाज लिविंग ये नहीं होगा, शैल लिव भी नहीं होगा, हैव बिन लिविंग होगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके बीच, इफ आई वाज यू आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, कहता है इफ आई वाज यू आई शुड टेल हिम द ट्रूथ। यहां वाज यू को इंप्रूव करना है, और वाज यू के इंप्रूवमेंट के लिए फोर ऑप्शंस का पहला है एम यू, बी है वर यू, सी है हैड बीन यू, और डी है नो इंप्रूवमेंट। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, रूल कहता है यदि इफ दो क्लॉजेस को जोड़े और इफ के ठीक बाद आने वाले क्लॉज, यदि इफ का प्रयोग दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हो जिसके एक क्लॉज में वुड प्लस बी वन अथवा शुड प्लस बी वन हो, तब दूसरे क्लॉज में वर प्लस नाउन एडजेक्टिव अथवा भी टू का प्रयोग होता है। यहां पर चूंकि शुड प्लस बी वन है, शुड प्लस भी वन के स्थान पर उड प्लस भी वन भी हो सकता है, तो शुड प्लस भी वन अथवा उड प्लस भी वन की स्थिति में इसके दूसरे क्लॉज में या तो भी टू होगा, नहीं तो वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर इफ क्या दिखा रहा है, सपोजिशन, और सपोजिशन के स्थिति में हम वाज का प्रयोग तो करते नहीं है, इसलिए वाज के स्थान पर हम वर का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं यहां एम यू वर यू, आंसर हमारा वर यू होगा। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।